नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे 10 परिवारों को एक सन्यासी ने लिया गोद। हर माह दी जाएगी निशुल्क रसद और राशन सामग्री। गाजियाबाद जनपद के सेवानगर स्थित स्वामी बालनाथ आश्रम के संचालक ने भूख और गरीबी के थपेड़ों से जूझ रहे 10 गरीब परिवारों को गोद लेने की घोषणा की है। आश्रम के संचालक स्वामी बालनाथ ने बताया कि इन परिवारों को आश्रम की तरफ से हर माह उनके जीवन निर्वाह के लिए खाद्य सामग्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान गाजियाबाद से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम कोई भूखा न सोए राष्ट्रीय अभियान रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में शहर के अनेक दानवीरों ने मदद देने का आश्वासन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन दानवीरों ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए आग्रह किया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता वैभव शर्मा की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। स्वामी बालनाथ आश्रम सेवानगर में रठौड़ गाजियाबाद। इस आश्रम की स्थापना 1975 में किया गया। गुरु जी, आप लगातार जब से कोरोना काल शुरू हुआ लोग मदद कर रहे हैं। हाँ, आज क्या करने जा रहे हैं आप? ऐसा था, कोरोना काल में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया भोजन वितरण करने का, तो उसके बाद हमने महसूस किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं न कहीं वो आ जा सकते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों का पता लगाया जाए जो वास्तव में भूख से परेशान है और उनके पास कोई जरिया नहीं है राशन प्राप्त करने का। तो उन लोगों का पता करके उनको हर महीने जितना भी आवश्यक है उतना राशन सामग्री उनके पास तक पहुँचाई जाए। तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक हमने जो ढूंढा हमें 10 लोग प्राप्त हो पाए हैं, और उसमें जैसे विधवा औरतें हैं जिनका कोई है ही नहीं है, नेत्रहीन हैं जिनका कोई नहीं है, विकलांग लोग हैं, तो उस किस्म के लोगों को जिनका कोई भी कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है उनको भूख से मरने से बचाने के लिए हम उनको हर महीने उनके घर पर राशन पहुंचाने का कार्य शुरू करेंगे। तो आज जो है हमने इन 10 आदमियों को ढूंढा है जिन्हें आज उनको यहाँ पर राशन उपलब्ध कराए। वो जो राशन आप देंगे उसमें क्या क्या सामग्री होगी? उसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। फिलहाल अभी ये हमने निश्चित किया है, और वो जिनको हम दे रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार जैसा वो बताएंगे तो और उसमें व्यवस्था करेंगे। अच्छा, एक अभियान जो चला रखा आपने कोई भूखा ना सोए, हाँ, ये मतलब आपने कैसे सोचा कि मेरे को लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए? ऐसा था, आज से 30-35 साल पहले अर्थला गांव में एक परिवार जो है पति पत्नी थे, वो बेरोजगार थे और कई दिनों से भूखे थे, उसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो मुझे जो है उससे बड़ा कष्ट पहुंचा, और हमने निश्चय किया कि हम इस तरीके से किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। तो उस संदर्भ में हमने जब ही कोई भूखा न सोए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की, और सारे गाजियाबाद जनपद की पैदल यात्रा किया गाजियाबाद से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक। तो और ये कार्यक्रम तभी से चल रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ तहाँ कोई आवश्यकता होती है तो उनके पास तक भी हम राशन पहुँचाते रहते हैं। लॉकडाउन में भी ये कार्यक्रम चलता रहा, लोगों को भोजन वितरण करता रहा, लेकिन अब समझ में आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि हम कहाँ से ये सहायता प्राप्त करें। तो
तो उनके पास तक हम अब ढूंढते हैं, हमारे पास और लोग हैं उनके भेजते हैं कि भाई इधर उधर तुम ऐसे परिवारों का पता करो जो बिल्कुल असमर्थ हैं और उनके पास कोई जरिया नहीं है और वो कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे, तो उनको हम हर महीने आवश्यकता के अनुसार जितनी उन्हें ज़रूरत है हम उनको राशन उपलब्ध कराएंगे। क्या गुरुजी कोई सरकारी मदद भी मिली आपको अभी तक? नहीं, इसमें कोई सरकारी मदद नहीं है, हमें तो समाज में ऐसे लोग हैं दानी लोग जो कहते हैं कि बाबा आप इस कार्यक्रम को चलाए रखें और हम लोग सहयोग करेंगे, और वो ये भी कहते हैं कि हमारे बारे में कुछ न बताएं किसी को कि हम ना हम कुछ अपना प्रचार प्रसार चाहते हैं, केवल बस ये कि हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो अभी भी जो है इसी तरीके से कार्यक्रम चल रहा है।